नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली मिसफिट लाइफ चैनल पर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे गरबे की, जो गुजरात से निकलकर विश्वव्यापी हो गया है। इस पॉडकास्ट के लेखक हैं साहित्यकार एवं टिप्पणीकार गिरीश बिल्लोरे मुकुल। गुजरात के व्यापारियों एवं प्रवासियों ने संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व को अपनी संस्कृति से परिचित कराया। इतना ही नहीं, उसे सर्वप्रिय भी बना दिया। गरबा गुजरात से निकलकर भारत के सुदूर प्रांतों तथा विश्व के उन देशों तक जा पहुंचा है जहां भी गुजराती परिवार जा बसे हैं। एक महिला मित्र प्रीति गुजरात सूरत से हैं। उनको मैंने कभी ना तो देखा, किंतु मेरे कला रुझान को परख कर पहले ऑर्कुट फिर फेसबुक पर मित्र बन गई हैं। वे मुझसे अक्सर गुजरात के सूरत, गांधीनगर, भरूच आदि के बारे में अच्छी जानकारियां देती हैं। मेरे विशेष आग्रह पर मुझे सूरत में हुए गरबे के फोटो सहजता से भेजती है। एक लेखिका गायत्री शर्मा बताती हैं कि गरबों की शान पारंपरिक पोशाकों से चार गुनी हो जाती है। इनमें महिलाओं के लिए चनिया चोली और पुरुषों के लिए केड़िया गरबा आयोजनों में देखी जा सकती है। अवारा बंजारा ब्लॉग पर प्रकाशित पोस्ट गरबा का जलवा में लेखक ने स्पष्ट किया है, गुजरात 9वीं शताब्दी में चार भागों में बटा हुआ था। सौराष्ट्र, कच्छ, आनर्ता उत्तरी गुजरात और लाट दक्षिण गुजरात, इन सभी हिस्सों के अलग अलग लोक नृत्य गरबा, लास्या, रासलीला, डांडिया रास, दीपक नृत्य, पणिहारी, टिप्पणी और छकोलिया की मौजूदगी गुजरात के सांस्कृतिक वैभव को मजबूती प्रदान करती है। अब सवाल यह उठता है कि करीब करीब मिलती जुलती शैली के बावजूद सिर्फ गरबा या डांडिया की ही नेशनल या इंटरनेशनल छवि क्यों बनी? शायद इसके पीछे इसका गरबे के आकर्षक परिधान एवं नवरात्रि पूजा पर्व है। एक दूसरा सच यह भी है कि व्यवसायिकता का तत्व गरबा को प्रसिद्ध कर रहा है। फिल्मों में गरबे को एवं चनिया चोली केड़िया के आकर्षक उत्सवी परिधान की मार्केटिंग रणनीति ने गरबे को वैश्विक बना दिया है। दूसरी ओर अंधाधुंध व्यवसायिकता से नाराज ब्लॉग लेखक संजीव भाई की पोस्ट में गरबे की व्यवसायिकता से दूर रखने की वकालत की गई है। ब्लॉग पोस्ट पर भाई संजय पटेल की टिप्पणी उल्लेखनीय है कि संजीव भाई गरबा अपनी गरिमा और लोक संवेदना खो चुका है। उनका कहना है कि मैंने तकरीबन 20 बरस तक मेरे शहर के दो प्रीमियम आयोजनों में बतौर एंकर शिरकत की, अब दिल खट हो गया है। सारा तामझाम कमर्शियल दायरों में सिमटा हुआ सा लगता है, पैसे का बोलबाला है, इस पूरे खेल में और धंधे साधे जा रहे हैं। संजय जी की टिप्पणी एक हद तक सही, किंतु मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूँ कि व्यवसायिकता में बुराई क्या? अगर गुजराती परिधान लोकप्रिय हो रहे हैं, गरबा ही नहीं गिद्दा, भांगड़ा, बीहू, लावणी सभी को संपूर्ण भारत में सामूहिक रूप से स्वीकारा है। केवल गरबा ही नहीं, ये अलग बात है कि गरबा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के सहारे सबसे आगे हो गया। इन दिनों अखबार समूहों ने भी गरबे को गुजरात से बाहर अन्य प्रांतों तक ले जाने की सफल कोशिश की है। इंदौर के गरबा दल की 2008 में मस्कत में हुई प्रस्तुति गजब थी। अब कनाडा, बेल्जियम, यूएसए सहित विश्व के कई देशों में लोकप्रिय हुआ, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। सुना है कि अब तो गरबे के लिए महिला साथी की व्यवस्था भी फीस देकर प्राप्त की जाने लगी है। संजय पटेल जी की शिकायत जायज है, वे गुजराती हैं तथा गरबे के बदले स्वरूप से नाराज हैं। उनका मत है कि चौराहों पर लगे प्लास्टिक के बेतहाशा फ्लैक्स, गर्लफ्रेंड्स को चनिया चोली की खरीदारी करवाते नौजवान, देर रात को गरबे के बाद तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच मोटरसाइकिलों की आवाज के साथ जुगलबंदी करके चिल्लाते नौजवान, घर में माँ बाप से गरबे में जाने की जिद करती कम सिंह जवान बेटियाँ, इसके अलावा गरबे के नाम पर लाखों रुपए की चंदा वसूली, इवेंट मैनेजमेंट के चोचले, रोज अखबारों में छपती गरबा कर रही लड़की लड़कियों की रंगीन तस्वीरें, देर रात गरबे से लौटती हुई हुड़दंग मचाती हुई नौजवान पीढ़ी, और तो और डीजे की कानफोड़ू आवाजें, जिनमें से गुजराती लोकगीतों की मधुरता गुम है। मुंबईया फिल्मी स्टाइल का संगीत, बेसुरा संगीत संजय पटेल जी की नाराजगी की मूल वजह है।
गरबे के नाम पर बेतहाशा भीड़ से ट्रैफिक जाम, लोगों के लिए